नमस्कार, मैं इनके केसरी उजाला की टॉप 10 खबरों में आपका स्वागत है। नागपुर में शीत सत्र से पहले ट्रैफिक जाम से त्रस्त हुआ नागपुर, लोगों को हो रही है परेशानी। मुंबई हवाई अड्डे को दी गई थी बम से उड़ाने की धमकी, पकड़ा गया है आरोपी। उत्तरकाशी में मजदूरों को बचाने के लिए अब होगी वर्टिकल ड्रिलिंग, रेस्क्यू टीमें सुरंग के ऊपर पहुंची। बिहार की मोतिहारी में शॉर्ट सर्किट से 2 मंजिला मकान में लगी आग, झुलसने से 3 लोगों की मौत। राजस्थान में सुबह 9 बजे तक 9.77% मतदान, 199 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। नोएडा स्थित कार में आग लगने से 2 लोगों की मौत, आम्रपाली प्लैटिनम सोसाइटी सेक्टर 119 की घटना। तमिलनाडु के कई क्षेत्रों में भारी बारिश, राजधानी चेन्नई के सभी स्कूलों में दी गई छुट्टी। पंजाब में हसैनीवाला बॉर्डर पर BSF ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ा। अदालत भूषण सिंह के खिलाफ नाबालिग की शिकायत पर क्लोजर रिपोर्ट पर आज सुनाएगी फैसला। रिटायर्ड आर्मी वालों को आतंकी बनाकर भेज रहा है पाकिस्तान, भारतीय सेना के बड़े अधिकारी का दावा।